हेलो एवरीवन, जय माता दी। आज का जो टॉपिक है वो है हमारा कटिंग्स के ऊपर, जिसमें कि तीन तरह की कटिंग्स है। एक है हमारी मनी प्लांट की कटिंग्स, एक है लालसा प्लांट की कटिंग, एक है स्नेक प्लांट की कटिंग्स, और इसे कैसे लगाना है आज इसी का टॉपिक है। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। और सबसे पहले अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें और कमेंट्स करना ना भूलिए। और चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, ये है लालसा प्लांट की कटिंग, जिसे मैंने थोड़े ही दिन पहले लगाना बताया था। आज मैं फिर से इन्हें ग्रो लगा रही हूँ। और ये है स्नेक प्लांट, ये है मनी प्लांट की कटिंग्स, और ये है स्नेक प्लांट, और जो कि इसमें से मैंने ये टूट गया था, तो मैं इसका भी बताऊंगी इसे कैसे हम ग्रो कर सकते हैं। बहुत अच्छा टाइम है इसमें कटिंग्स लगाने का, आप किसी भी तरह की कटिंग्स लगा सकते हैं। और इन्हें मैं किस में लगा रही हूँ आज इसी का टॉपिक है। ये देखिए, ये जो आपके घर पे घर के मग्स होते हैं ना, जिसमें हम नहाते हैं तो हम ये मग्स यूज़ करते हैं, तो ये जैसे पुराने हो जाते हैं, तो आप इसका यूज़ कर सकते हैं, ऐसे ही कलर्स कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें मैंने ऑयल कलर्स किए हैं, ऑयल पेंट कलर। और ये देखिए, ये बहुत ही पुराने हो चुके थे और इसलिए मैंने इसको कलर किया है, ताकि ये अच्छे से पॉट बन जाए, पॉट लगे। और ये देखिए कितने ही सुंदर कलर्स लग रहे हैं। आप ऐसे ही इनको यूज़ कर सकते हैं, प्लास्टिक की बॉटल्स का यूज़ कर सकते हैं, उसे कट कर सकते हैं, या किसी भी तरह का वेस्ट का आप यूज़ कर सकते हैं। और होल करना ना भूलिए, होल करना प्लांट्स के लिए, होल करना पॉट्स में बहुत ज़रूरी होता है, ताकि जो भी एक्स्ट्रा वाटर है वो निकल सके। और होल के बाद आपको ऐसे कवर करना भी ज़रूरी है, ऐसे आप थर्माकोल से या फिर पत्थर से किसी से भी आप इसे अच्छे से होल्स को ढक सकते हैं, ताकि मिट्टी बह ना जाए, इसलिए इनको ढक होल्स को कवर करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। तो आप होल करना भी ना भूलिए, होल करिए, और जब कटिंग्स में आपको नज़र आए कि पानी की ज़रूरत है तभी कटिंग को पानी दीजिए। ओवर पानी किसी भी प्लांट्स को नहीं चाहिए होता, ओवर पानी से भी हमारे प्लांट्स जो होते हैं, ओवर वाटरिंग जब हम करते हैं तो प्लांट्स हमारे गलने लग जाते हैं। और अभी बारिश का टाइम है, तो आपको ये चीज़ नोटिस करी होगी कि बारिश के पानी से ही हमारे प्लांट्स को पानी की जो रिक्वायरमेंट होती है वो कंप्लीट हो जाती है। तो ऐसा ना करिए कि आप बार बार पानी फिर से उसमें देते रहें, मिट्टी सूखने का वेट करिए। ऐसा नहीं है कि पानी देते रहना है। और मैं आपको कटिंग्स लगा के दिखाती हूँ, और सबसे पहले इसकी सॉइल बताती हूँ। मैंने इसके लिए 50% गार्डन सॉइल ली है, और 30% कंपोस्ट ऐड करी है, और 20% सैंड ऐड करी है। हाँ जी, मैंने 30% कंपोस्ट ऐड करी है। वैसे मैं सैंड ज़्यादा ऐड करती थी 30%, आज मैं 30% कंपोस्ट और 20% सैंड इसमें ऐड करी है, क्योंकि मैं सैंड को थोड़ा सैंड मैं इसके नीचे भी इसमें लगाऊंगी, ऐसे ही प्लांट्स के कवर करने के लिए, होल्स के ऊपर ऐसे से मैं इसको कवर कर दूंगी थोड़ा सैंड से। ये देखिए होल्स अच्छे से कवर है। ये अभी मैंने दिखाया ना आपको, थोड़ा सा हिल गया है ये, रुकिए मैं फिर से लगाती हूँ कैसे कवर करना होता है, ये भी मैं आपको बताती हूँ। ये होल के बाद हमें ऐसे ही इसको कवर कर देना होता है, जैसे कि आपको दिख रहा होगा तीन इसमें होल है, और ऐसे अच्छे से इसे कवर करना है बस। और बिल्कुल भी टाइल से कभी कवर मत करना, नहीं तो फिर हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते। ऐसे ही हम पत्थर इनमें रख सकते हैं, ठीक है। और थोड़ी सी सैंड इसमें ऐड कर देते हैं। मैंने इसमें मिट्टी में 30% कंपोस्ट और 20% सैंड, और थोड़ा सा इसमें होल करके ऐसे रेत कर दी है। और इसमें मैंने थोड़ा सा हल्दी भी मिक्स करा है, और साथ में मैंने इसमें इसमें नीम खली का भी ऐड किया है। रुकिए मैं अभी आपको दिखाती हूँ दोबारा से कैसे हमें ऐड करना होता है। एक मुट्ठी कम से कम हम इसमें नीम खली ऐड कर देते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ। पहले से भी इसमें मिक्स है, मैं आपको फिर से दिखाती हूँ। ये देखिए, कम से कम हमें इतनी नीम खली भी इसमें ऐड करनी है। नीम खली बहुत अच्छी होती है, तो इसे ऐड करना, अगर आप साफ़ फंगीसाइड ऐड करते हैं तो उसे भी ऐड कर सकते हैं इसमें। मेरे पास साफ़ फंगीसाइड ख़त्म हो चुका है, इसलिए मैं नहीं कर पा रही हूँ। अच्छे से फिर इसको मिक्स कर देना है, 30% इसमें कंपोस्ट है, 20% सैंड है,
और साथ में 50% गार्डन सोइल है, अच्छे से इसको मिक्स कर देना है अच्छे से बिल्कुल, और ऐसे से फिल कर देना है पॉट्स को। और पॉट्स को फिल करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि हमें कटिंग्स को कैसे लगाना है। ऐसे ही सारे फिल करके फिर मैं आपको दिखाती हूँ हमें कटिंग्स कैसे लगानी है। सबसे पहले मैं आपको मनी प्लांट की कटिंग्स लगाना बताती हूँ। और सबसे पहले आप ये देख रहे हैं इसमें रूट्स हैं, तो हमें इसमें रूटिंग हार्मोन्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। अगर रूट्स नहीं होती तो आप इसे पहले पानी में भी लगा सकते हैं मनी प्लांट को, जब आपको उसमें रूट्स नज़र आ जाए तब आप इसे मिट्टी में लगा सकते हैं। या आपको डायरेक्ट मिट्टी में लगाना है तो आप इसमें हल्का सा एलोवेरा का जेल लगा सकते हैं या रूटिंग हार्मोन्स का यूज़ कर सकते हैं। अगर आपके पास रूटिंग हार्मोन्स नहीं होता तो आप एलोवेरा जो जेल होता है, एलोवेरा मतलब जो हमारे घर में एलोवेरा का प्लांट होता है उसको कट करके उसका जो जेल होता है वो आप कटिंग्स के लिए यूज़ कर सकते हैं। बहुत अच्छे उसमें कटिंग्स अच्छे से ग्रो होती है एलोवेरा जेल से, तो आप ऐसे भी कर सकते हैं। अभी मैं बताती हूँ इसको क्या करना है। आपको कुछ नहीं करना, ऐसे इसके दो पार्ट्स कर देने हैं। ये देखिए आपको ये दिख रहा होगा, इसके हो गए ये दो पार्ट्स और इसमें रूट्स आपको नज़र आ रही होंगी। ऐसे ही इसको हम लगा देंगे, अभी मैं बताती हूँ। अगर हमारी मिट्टी अच्छी होती है ना तो हमारे प्लांट्स अच्छे से ग्रोथ भी करते हैं। अगर हम मिट्टी अच्छे से नहीं बनाएंगे और उसमें होल ही सही से नहीं करेंगे तो भी हमारे प्लांट्स ख़राब हो जाते हैं। कई बार हम ओवर वाटरिंग कर देते हैं, कई बार कम पानी दे देते हैं, तभी हमारे प्लांट्स कई बार ख़राब हो जाते हैं, तो इस चीज़ का हमें ध्यान रखना होता है। ये देखिए ये कटिंग एकदम लग के रेडी है। ऐसे ही हमें सारी कटिंग्स को लगाना होता है, ये देखिए। और इसके बाद आप इसमें फंगीसाइड का पानी दे सकते हैं। अगर मिट्टी में आपने पहले से फंगीसाइड दिया हुआ है तो आपको मिक्स करने की पानी में ज़रूरत नहीं है, तब आप नॉर्मल पानी भी इसे दे सकते हैं। और ऐसी ही कटिंग सारी लगा के मैं बताती हूँ आपको। ये देखिए इसमें भी कितनी अच्छी मनी प्लांट में आपको दिख रही होगी रूट्स। ऐसे ही इसको होल करना है, ये लगाने के बाद आपको दिखाती हूँ। ये देखिए मैंने मनी प्लांट को ले लिया है और इसमें रूट्स आपको दिख रही होंगी, होल कर दिया है और मनी प्लांट को मैं ऐसे ही रख रही हूँ और ऐसे मिट्टी से कवर कर रही हूँ। बस कुछ नहीं करना और इसमें आपको ग्रोथ अच्छे से नज़र आ जाएंगी। आप भी अभी ऐसी कटिंग्स बहुत सारे मनी प्लांट, बहुत सारी कटिंग से प्लांट्स रेडी कर सकते हैं। ये देखिए कितना ही सुंदर लग रहा है और बिल्कुल वेस्ट चीज़ पे लगा हुआ है। ये देख सकते हैं घर के ही मग हैं जिसको आप अच्छे से कलर कर सकते हैं, इसमें आईज बना सकते हैं, किसी भी तरह का डिज़ाइन बना सकते हैं। और मैंने देखिए तीन कलर्स किए हैं, आपको दिख रहा होगा कितने ही सुंदर लग रहे हैं। लग ही नहीं रहा है कि ये मग है, ऐसा लग रहा है ये हैंगिंग वाले पॉट्स हैं। तो आप ऐसे ही कर सकते हैं, इसमें आईज बना सकते हैं, कुछ भी बना सकते हैं, किसी भी तरह का आप इसमें DIY कर सकते हैं। ऐसी ये सारी तीनों कटिंग्स मैं लगा दूँगी, ये जितने भी कटिंग्स हैं मनी प्लांट की। ऐसे ही हमें करना होता है, इसको कट करके हमें काफ़ी सारी कटिंग्स रेडी कर सकते हैं। ये देखिए सब में ही रूट्स हैं, जहाँ आपको रूट्स नज़र आए वहाँ से कट कर दीजिए, एक कटिंग बन जाएगी, फिर दूसरी जगह से कट कर दीजिए, दूसरी कटिंग बन जाएगी, फिर ऐसे ही कर देंगे तो कितनी सारी ये कटिंग्स बन जाती है हमारी। ये देखिए एक कटिंग यहाँ पर है और ये देखिए इसमें इतनी सारी रूट्स हैं, तो हम इसे यहाँ से कट कर देते हैं, इसको यहाँ से कट कर देते हैं, इसको हम यहाँ से कट कर देते हैं, ये हमारी कटिंग्स हो गई। ऐसे ही हमें मनी प्लांट्स की कटिंग्स, ये देखिए सब में रूट्स हैं, ये दिख रही होंगी रूट्स, ऐसे ही हमें कर देनी है और इसमें अच्छे से आपको ग्रोथ भी नज़र आ जाएंगी। और पानी दे देना है अच्छे से इसको और फिर कहीं पर भी आप इसे हैंग कर सकते हैं। ये देखिए मैंने मनी प्लांट की कटिंग्स को लगा दिया है, कुछ नहीं करना, अब इसमें पानी दे देना है और छाए वाली जगह में इसको रख देना है। धूप नहीं लगनी चाहिए कटिंग्स को, क्योंकि हमारी कटिंग ज़्यादातर धूप लगने से ख़राब भी हो जाती है, पर अभी ऐसा टाइम नहीं है, धूप नहीं आ रही। पर आप फिर भी इसे शेड वाले एरिया में ही रखिए, जब तक आप में इसे नई ग्रोथ आपको नज़र नहीं आती तब तक आप इसे शेड वाली एरिया में ही रखना है और ऐसे हैंग कर सकते हैं। ये देखिए कितना सुंदर लग रहा है,
ऐसे आप भी कटिंग्स लगा सकते हैं। अब मैं आपको स्नेक कटिंग्स लगा के दिखाती हूँ। स्नेक प्लांट की कुछ नहीं करना होता, बस आपको ऐसी कटिंग्स बनानी है। ये देखिए, मैं आपको कट करके बताती हूँ अभी। ये देखिए, मैंने स्नेक प्लांट की कटिंग्स कर दी हैं। आपको कुछ नहीं करना, किसी भी तरह का एलोवेरा जेल लगाने की ज़रूरत नहीं है, रूटिंग हार्मोन्स लगाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ऐसे ही मिट्टी जैसे मैंने बनाई है इसको लेना है और ऐसे ही कटिंग्स को लगा देना है। अभी मिट्टी में भी आपकी कटिंग्स बहुत अच्छे से ग्रो हो जाएंगी और अच्छे से आपको इसे लगा के यूं रख देना है। और कटिंग्स को बार बार आपको हटा के नहीं देखना होता, जैसे कई लोग होते हैं कटिंग्स लगाते हैं बार बार देखते हैं रूट आई कि नहीं आई कि नहीं, तो ऐसा कुछ नहीं करना होता। वैसे सारी कटिंग्स लगाने के बाद आपको कुछ नहीं करना होता, हल्का सा पानी देना। जब मिट्टी ड्राई नज़र आए तब आपको पानी देना, और बिल्कुल भी रूट से बिल्कुल भी आपको किसी इसको बिल्कुल भी आपको छेड़ने की ज़रूरत नहीं है। और जब आपको इसमें से न्यू ग्रोथ अपने आप ही नज़र आएगी, साइड से एक छोटा सा प्लांट आ जाएगा इसी का स्नेक प्लांट, आपको पता चल जाएगा हाँ अब इस ये प्लांट हमारी कटिंग जो है चल गई है। ऐसे ही सारी कटिंग्स को हमें लगा देना है, कुछ नहीं करना, थोड़ा सा होल करना है और कटिंग्स लेनी है। ये देखिए, ये है नीचे वाले एरिया जहाँ से हमारे रूट्स आएंगी, और ऐसे अच्छे से इसको लगा देना है और थोड़ा सा पानी दे देना है जब मिट्टी ड्राई नज़र आए, और तभी और बस इसको छाए वाले जगह में रख देना है। और कुछ ही टाइम में इसमें आपको रूट्स नज़र आएंगी तो आपको इसे लगा देना है। पर अभी मुझे कटिंग्स आपको दिखाने के लिए इसे लगाई है, पर मुझे अभी ये वाले प्लांट इस वाले मग में लगाने हैं, मैं आपको वो लगा के दिखाऊंगी। ये कटिंग सिर्फ आपको सिखाने के लिए कि आपको कैसे इसे लगाना है, ऐसी कटिंग्स लगानी है। और आप इसे सिर्फ ऐसे पानी में भी रख देंगे तब भी ये अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। बस मैंने आपको सिखाने के लिए कि आपने जहाँ से कट किया है उस वाले एरिया को रख देना, ऐसे नहीं रखना, उल्टा ऐसी जगह पे नहीं रखना, तब कुछ नहीं आएगी इसमें रूट्स। ऐसे वाले एरिया होना चाहिए, बस आपको रख देना है, ऐसा देखिए रख देना है। और अच्छे से इसको फिल करके अच्छे से ऐसे साइड से सारा करके पानी दे देना है, और जब मिट्टी ड्राई नज़र आए तभी करना है। बस ऐसे ही मैंने सिखाने के लिए करा था, अभी मैं आपको ये लगाती हूँ। बस इसमें मुझे थोड़े से ये स्नेक प्लांट लगाने थे, ये देखिए काफ़ी सारे हो गए हैं। ये देखिए, मैंने स्नेक प्लांट की कटिंग्स ले ली हैं, जो हमारे थोड़े प्लांट्स को मैंने सेपरेट किया है, और इसमें आपको रूट्स भी नज़र आ रही होंगी। अब मैं इसमें लगा के दिखाती हूँ, कुछ नहीं करना है। ऐसे ही हमने प्लांट्स थोड़े से ले लिए हैं, थोड़े सेपरेट कर दिए हैं ताकि और हमारे पास प्लांट हो जाए और अच्छे से इसको स्पेस भी मिल जाए। ऐसे आप भी काफ़ी सारे प्लांट्स बना सकते हैं। मैं इसमें तीन कटिंग्स लगा रही हूँ, ये देखिए, लगाने के बाद दिखाती हूँ मैं आपको। स्नेक प्लांट अच्छे से लग गए हैं, बस इसमें थोड़ा सा पानी दे देना है, और कितना ही सुंदर लग रहा है आप देख सकते हैं। और घर के ही पुराने मग में लगे हुए हैं, जो कि कितने ही सुंदर लग रहे हैं लगे हुए। और वो रहे बाकी के प्लांट्स, ऐसे उसे फिर से मैं लगा दूंगी ब्लैक वाले पॉट में जो यहाँ पे सामने रखा हुआ है। और ये मैंने सेपरेट कर दिए कुछ प्लांट्स, ऐसे हम काफ़ी सारे सेपरेट कर सकते हैं, उसमें भी काफ़ी सारे प्लांट्स हैं। ऐसे सेपरेट करके ऐसे मग्स में लगा सकते हैं, या प्लास्टिक की बोतल्स में भी अच्छे से ग्रो हो जाएंगे। आप किसी भी चीज़ में से लगा सकते हैं। अब मैं आपको लालसा की कटिंग्स लगा के दिखाती हूँ, और पहले भी मेरे चैनल पर आपको लालसा की कटिंग्स देखने को मिल जाएंगी, तो आप ज़रूर वॉच करिए मेरी वीडियोज़ को, आपको ऐसे ही वीडियोज़ देखने को मिलेंगी। ये देखिए सुंदर कितने लग रहे हैं, और ये इतने पुराने मग से जिसे हम यूज़ ही नहीं करते थे। बस आपको किसी भी तरह का अपना फेवरेट कलर कर देना है, किसी भी तरह का आप डिज़ाइन दे सकते हैं, और ये बहुत सुंदर लगते हैं ऐसे। ये देखिए हमें कटिंग्स कैसे लगानी है, नीचे की लीव्स को रिमूव कर देना है, और यहाँ पर आप एलोवेरा जेल और साथ में हल्दी या तो फंगीसाइड ऐड लगा सकते हैं, और ऊपर की लीव्स को रिमूव कर देना है, जैसे कि आप देख सकते हैं ऊपर से रिमूव है। और फिर इसके बाद होल करके इनको लगा देना है, ऐसी सारी कटिंग्स को लगा देना है, और फिर थोड़ा सा पानी दे देना है।
और इसके बाद आपको इसको शेड वाले एरिया में रखना है, धूप में एकदम नहीं रखना तेज़। और जब मिट्टी ड्राई नज़र आए आपको तब पानी देना है, और साथ में जब इसमें आपको ग्रोथ अच्छे से नज़र आ जाए तब आप इसे बिल्कुल तेज़ धूप में रख सकते हैं। क्योंकि जो लाल सा प्लांट है ये सनफ्लावर प्लांट है, इसको धूप बहुत पसंद होती है, तो आपको इसको सन वाले एरिया में ही रखना है। जब कटिंग अच्छे से ग्रोथ हो जाए और यहाँ से न्यू लीव्स नज़र आने लग जाए आपको पता चल जाए हाँ अब ये बिल्कुल धूप वाले एरिया में जाने लायक हो चुका है प्लांट, हमारी कटिंग से इतने अच्छे से ग्रोथ हो चुकी है, तब आप इसे रख सकते हैं। मिट्टी जब ड्राई नज़र आए तभी पानी दीजिए। और ये देखिए मैंने इसमें भी स्नेक प्लांट लगा दिए हैं, और दोनों मग में ही मैंने स्नेक प्लांट लगा दिए हैं और एक में मैंने मनी प्लांट लगा दिया है। और मैंने आपको कटिंग्स लगाना ही बता दिया स्नेक प्लांट की, आप ऐसे भी लगा सकते हैं मिट्टी में और साथ में आप इसे पानी में भी ग्रो कर सकते हैं। बस इतनी सी ही जानकारी थी। अगर आपको मेरी वीडियोस अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियोस को लाइक करें, कमेंट करना ना भूलें। और मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।